हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीप्ति और आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप अपनी पसंद से खाना बनाती हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप में से अधिकांश लोग ये सोच रहे होंगे कि भला ये भी कोई टॉपिक हुआ, आप अपनी पसंद से खाना बनाती हैं। अरे भाई, अपनी पसंद से खाना हम नहीं बनाएंगे तो क्या पड़ोसी बनाएंगे? जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, पर आप नाराज़ मत होइए। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि आज आपका पनीर भुर्जी खाने का बहुत मन है, आज आपने सोचा है कि रात के डिनर में आज आप पनीर भुर्जी बनाएंगी या फिर दम आलू बनाएंगी। अब आपने अपनी सासू माँ को बताया, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हो तो भी, और अगर आप एकल परिवार में रहती हो तब भी, वो तो सेम सिचुएशन ही है। आप बताती हैं कि भाई आपका पनीर भुर्जी खाने का मन है और आप वो बनाएंगी। अब आपकी सासू माँ बोलती हैं, अरे नहीं भाई, तुमको जो बनाना है तुम बना दो, पर हमारे लिए तो भाई मूंग दाल की खिचड़ी ही बनाना, हमारा पेट खराब हो जाता है। अब आप बच्चों के पास गई, बच्चे बोले, दादी को खाने दो मूंग दाल की खिचड़ी, हमको नहीं खाना ये खिचड़ी विचड़ी, हमारे लिए तो नूडल्स बनाना या फिर पास्ता बनाना। अब आप सोच रहे हैं कि सासू माँ के लिए आपको मूंग दाल की खिचड़ी बनानी है और बच्चों के लिए आपको पास्ता बनाना है, और आप ये अच्छे से जानती हैं कि आपके पति ना तो पास्ता खाते हैं और ना ही मूंग दाल की खिचड़ी। अब आपको उनके लिए एक अलग से सब्जी बनानी ही है। ऐसे में सबकी पसंद का ख्याल रखते रखते आप अपना आइडिया तो ड्रॉप ही कर देती हैं पनीर भुर्जी बनाने का। आप सोचती हैं, चलो ठीक है, थोड़ी सी खिचड़ी बना लूँगी, पास्ता बना लूँगी, और हाँ पति के लिए थोड़ी सी सब्जी बना लेंगे अलग से। अब क्या अकेले के लिए पनीर भुर्जी बनाई जाए? सही कह रही हूँ ना? ऐसा ही होता है ना फ्रेंड्स? तो अच्छी बात है कि आप अपने घर के मेंबर्स का ध्यान रखती हैं, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं और जैसा वो कहते हैं वही बनाती हैं। पर क्या आपको नहीं लगता कि इन सब में हमारी पसंद का क्या हुआ, हमारी पसंद कहाँ चली जाती है? एक लेडी किचन में कितने घंटे बिताती है, और अगर वो अपनी पसंद का ही नहीं बना पाएगी तो क्या फ़ायदा हुआ? क्या आपको नहीं लगता कि हाँ भाई, हफ्ते में एक दिन तो ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट कि मैं अपनी पसंद से बना पाऊँ, मतलब जो मैं खाना चाहती हूँ वो मैं बना पाऊँ। अगर आपको भी यही लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ, तो फिर चलिए इसके लिए एक छोटा सा काम करते हैं। बाकी के 6 दिन आप जो फैमिली में मेंबर्स हैं उनकी पसंद का खाना बनाइए, लेकिन हफ्ते में एक दिन, सिर्फ एक दिन अपने लिए रखिए, और उस एक दिन आप सबको बोल दीजिए कि आज आपका दिन है, और आप जो भी डिसाइड करेंगी, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या फिर डिनर हो, अपनी पसंद से बनाएंगी और सभी को वो खाना पड़ेगा। अगर आपके घर में कुक है तो उनको भी साफ साफ बोलिए कि देखो भाई, संडे तो मेरा दिन है, इसलिए घर के बाकी मेंबर्स से पूछने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज जो भी बनेगा, जो भी तुमको बनाना है, वो तुम डायरेक्ट मुझसे आके पूछोगी। और अगर आपके घर में कुक नहीं है, आप खुद खाना बनाती हो अपनी किचन में, तो फिर आप, जाहिर सी बात है, आपको जो बनाना है आप वो उसी दिन बनाइए, क्योंकि वो आपका दिन है, आपने उसको चूज़ किया है अपने लिए। और उस दिन आप चाहें तो कुछ स्पेशल डिश बनाइए, आजकल वेबसाइट पे सब कुछ मिलता है, आपको जो भी खास बनाना हो आप बनाइए, लेकिन अपनी पसंद से बनाइए। या फिर आप चाहें तो अपनी सासू माँ की कोई खास डिश जो वो बहुत अच्छा बनाती हो, या आपकी मम्मी की डिश जो आपकी मम्मी की याद दिलाए, आपकी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती हो, वो ट्राई कीजिए उस दिन पे। यकीन मानिए, आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सोचकर कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, और एटलीस्ट एक दिन तो मेरे लिए है जहाँ किचन में मैं खुद की रानी हूँ और खुद की मर्जी का बना सकती हूँ। आप जो भी बनाएं कोशिश कीजिएगा कि वो हेल्दी हो, ताकि जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और हाँ वो आपकी पसंद का हो, ये ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो दिन तो आपका है, उस दिन को तो कोई भी टांग ही नहीं अड़ा सकता है भाई, वो तो आपका दिन है। उस दिन आपको पप्पू के पापा या पप्पू की दादी या पप्पू से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस दिन सिर्फ आप अपने दिल की सुनिए, अपने मन की सुनिए कि आपको क्या बनाना है। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं ना? अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, तो फिर उठिए, डिसाइड कीजिए कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनमें से कौन सा ऐसा दिन है जो आप अपने लिए रखना चाहती हैं, अपनी किचन के लिए रखना चाहती हैं, और उस दिन का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा,
और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अभी हम चलते हैं, जल्दी ही फिर मिलेंगे।